नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जैन है और मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर में कैंसर सर्जन हूँ। आज हम फेफड़ों के कैंसर या लंग कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। 1 अगस्त को हम वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। फेफड़ों का कैंसर पुरुषों में दूसरा सबसे आम कैंसर है। फेफड़ों के कैंसर का सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारण या जिसे हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं वो है धूम्रपान करना। हालांकि पिछले 1 दशक में महिलाओं जिन्होंने कभी धूम्रपान का सेवन नहीं किया है उनमें भी यह कैंसर के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। फेफड़ों के कैंसर के सबसे आम लक्षण होते हैं लंबे समय तक खांसी बने रहना, खांसी में खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती या पीछे पीठ में दर्द होना या उसके अलावा आवाज़ में बदलाव होना। फेफड़ों के कैंसर को हम प्रारंभिक अवस्था में निदान कर सकते हैं। 55 से 80 वर्ष की उम्र के लोग जिन्होंने हर दिन 1 पैकेट सिगरेट 30 साल तक पिया है, जिसे हम 30 पैक ईयर्स बोलते हैं, उन्हें साल में 1 बार सीटी स्कैन करने की ज़रूरत है, जिसे हम लो डोज सीटी स्कैन बोलते हैं। लो डोज सीटी स्कैन से हम लंग में होने वाले छोटे छोटे नोड्यूल्स को देख सकते हैं। फेफड़े में होने वाले छोटे कैंसर को बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में निदान कर सकते हैं। अगर यह बीमारी प्रारंभिक अवस्था में निदान हो जाती है तो उसे हम सर्जरी के माध्यम से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सर्जरी में 3 से 4 सेंटीमीटर के चीरे से हम फेफड़े के कैंसर को निकाल सकते हैं। इसे की होल सर्जरी या यूनिपोर्टल वैट सर्जरी बोला जाता है और इससे मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। अगर यह बीमारी एडवांस स्टेज या अग्रिम अवस्था में भी चली गई है तो आज हमारे पास टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से हम इसे लंबे समय तक नियंत्रण में रख सकते हैं। फेफड़े का कैंसर एक आक्रामक कैंसर है जिसके लिए लोगों के बीच में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों को उसके लक्षण, उसके निदान और उसके इलाज के बारे में जागरूकता होगी तो इस कैंसर को हम हरा सकते हैं, क्योंकि जीतेगी ज़िंदगी और हारेगा कैंसर। नमस्कार।